आगरा में कारगिल शहीद के घर पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दो बदमाशों ने चाकू के दम पर ही लूट की। 2 वर्षीय बच्ची के गर्दन पर चाकू लगकर लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया। 5 लाख रुपए, 40 तोला सोना, 2 लाख से ऊपर की चांदी के आभूषण नकाबपोश बदमाश ले उड़े। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। थाना ताजगंज पुलिस के कार्यशैली पर सवाल है। 24 घंटे बीत जाने के बाद अब तक पीड़ित की तहरीर दर्ज नहीं की गई। थाना ताजगंज क्षेत्र के ताज नगरी फेस 1 का पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। क्या घटना हुई आपको? लूट की वारदात हुई है। किस तरीके से लूट हुआ? 25 तारीख को लगभग शाम 7 बजे मेरी भाभी जी और मेरा भतीजा 2 साल का, वो घर पर मौजूद थे और घर में 2 नकाबपोश व्यक्ति जबरन घुसते हैं और मेरे 2 साल के भतीजे की गर्दन पर चक्कू रख के मेरी भाभी जी को धमकी देते हैं कि ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ इसका गला काट देंगे। और वो छेनी और हथौड़ा साथ में लेकर आए थे, उससे उन लोगों ने मेरे घर की अलमारियाँ तोड़ी और उसमें रखा हुआ नकदी और जेवरात वगैरह वो लूट कर ले गए। कितने लूट हुई आपने? लूट तकरीबन नकदी मौजूद थी तकरीबन 5 लाख के आसपास और कुछ जेवरात सोने के, चांदी के, 2-2.5 किलो चांदी और कुछ तकरीबन 40 तोले के आसपास सोने के जेवरात थे, सब लूट कर ले गए। कब हुई है घटना? 25 तारीख को तकरीबन 25 जुलाई 2022। मैं संज्ञान मैंने 112 में दिया 112 में संज्ञान दिया है। उसके बाद अभी पुलिस की जानकारी में ये मामला है। नहीं, आप जब कल गए पुलिस के पास, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करी जाएगी इस पर।